सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। और आज की वीडियो है फिर से ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के ऊपर, जिसमें कि मैं आपको यहाँ की सारी डिटेल्स दूंगा कि ऑपरेशन थिएटर में क्या होता है, कैसे होता है और क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं। यहाँ पे सैलरी कितनी होती है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, कोर्स कैसे होता है, क्या ड्यूरेशन होती है और कहाँ कहाँ आप जॉब्स कर सकते हैं, किस किस फील्ड में आप जा सकते हैं इसके थ्रू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्टली मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन होता क्या है। मेनली ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस वो होते हैं जो कि ड्यूरिंग सर्जरी एक सर्जन को असिस्ट करते हैं और एक एनेस्थेटिक को असिस्ट करते हैं। एनेस्थेटिक को असिस्ट करना हमारा मेनली काम होता है, जिसमें कि हम एनेस्थेटिक की हेल्प करते हैं पेशेंट को अनकॉन्शियस लेवल पर पहुँचाने पर, उसको एनेस्थीशिया देने में और पेन फ्री सर्जरी परफॉर्म कराने में। तो सबसे मेन काम हमारा ये होता है, जिसमें कि हम एक एनेस्थेटिक की हेल्प करके ये प्रोसीजर करते हैं। सेकेंडली फिर हमारा सेकेंड पार्ट डिवाइड होता है सर्जिकल पार्ट, जिसमें कि सर्जिकल पार्ट में ये होता है मेनली हमारा काम, जैसे कि जो सर्जरी चल रही है उसमें हम सर्जन की हेल्प करेंगे, उसके साथ सर्जरी परफॉर्म कराने में हेल्प करेंगे, इक्विपमेंट्स की हेल्प करेंगे, उसको इक्विपमेंट्स पास कराएंगे, उसमें इक्विपमेंट्स के साथ उस वर्क करेंगे सर्जरी में जो चल रहा होगा, हमारी जो जो नीड होगी उसमें हम पूरी सर्जरी परफॉर्म कराएंगे एक सर्जन के साथ। सो मेनली हमारे ये दो काम होते हैं जो हमें करने होते हैं। और बाकी इस फील्ड के थ्रू आप काफ़ी काम कर सकते हो, जैसे कि हॉस्पिटल का CSSD डिपार्टमेंट्स में आप जॉब कर सकते हो, और किसी कंपनी में इक्विपमेंट्स सेल परचेस में आप जॉब कर सकते हो। तो ये हमारे दो तीन काम होते हैं, लेकिन मेनली अगर आप हॉस्पिटल्स में करना चाहते हो तो हॉस्पिटल्स में दो पार्ट्स में आप काम कर सकते हो। तो ये काम होते हैं। तो सेकेंड हम बात करते हैं इस कोर्स में आप एंटर कैसे होंगे, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं और क्या क्या नीड होती है। तो इस कोर्स के लिए मेनली 10+2 की नीड होती है, अब तो साइंस की नीड होती है। पहले जो था आप नॉर्मली किसी भी साइट से जा सकते थे, लेकिन अब ये 2022 से साइंस की नीड मांगी गई है। लेकिन कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जहाँ पे कि आप बाय आर्ट्स के स्ट्रीम थ्रू के जा सकते हैं, आर्ट्स के थ्रू भी, कॉमर्स के थ्रू भी, किसी भी स्ट्रीम्स के थ्रू आप जा सकते हैं, लेकिन अब साइंस के थ्रू बस मोस्टली कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा, प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपको कुछ नीड हो या अगर आप इंटरेस्टेड हो इस कोर्स को करने में तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। सो ये है नीड्स, मेनली बायोलॉजी आपको पता ही है, बायोलॉजी की नीड्स होती है मेडिकल लाइन में जाने के लिए, तो बस बायोलॉजी। और इसकी पढ़ाई कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है और ज़्यादा नॉर्मल भी नहीं है, मीडियम पढ़ाई है। मतलब थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स भी फेस करनी पड़ेगी स्टार्टिंग में, नॉर्मली आप कर लोगे, अगर आपका मन होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, तो ये तो आपको पता ही है। तो सेकेंडली फिर हम बात करते हैं इसके ऊपर सैलरी की। तो सैलरी बेसिक सैलरी इसकी होती है, बेसिक सैलरी इसकी होती है 18,000, और उसके बाद फर्दर आप जा सकते हैं 1,00,000 तक। और यही आउट ऑफ कंट्री में अगर आप जॉब्स करते हैं तो इसकी सैलरी बहुत ज़्यादा जाती है। ये मैंने आपको बताया कि आप आउट ऑफ कंट्री में भी जॉब्स कर सकते हैं, तो उसका प्रोसीजर्स ये होते हैं, जैसे आप अगर किसी के थ्रू आप जाएं तो उससे आपको एक आईलेट का एग्ज़ाम देना क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद आप आउट ऑफ कंट्री में भी जॉब्स कर सकते हैं। इस पोस्ट पे, OT टेक्नीशियन की पोस्ट पे काफ़ी जॉब्स निकलती हैं, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, जा सकते हैं। और नॉर्मली आउट ऑफ कंट्री की सैलरीज काफ़ी अच्छी होती हैं कंपेरिजन टू इंडियाज, तो आपके पास एक बेनिफिट रहता है कि आप इस कोर्स को करके आउट ऑफ कंट्री जॉब्स कर सकते हैं। और सेकेंडली फिर आपको मैं OT के प्रोसीजर्स बताता हूँ, रूल्स और रेगुलेशंस बताता हूँ कुछ, कि सबसे पहले OT का एक रूल्स एंड रेगुलेशन होती है। सबसे पहले OT में सबसे ज़्यादा मेंटेनेंस रखने वाली चीज़ होती है स्टरलाइजेशन, जो कि प्रॉपरली आप अपने ड्रेसअप बाय अपने हैंड वॉशिंग वगैरह इन सब के थ्रू रख सकते हो। OT में बिना ड्रेस के आप एंटर नहीं कर सकते हैं, जैसे कि आपने देखा मैंने ड्रेस वियर करी है। जब भी मेरे को OT में एंटर करना होता है तो मेरे को ड्रेस और कैप, ये सबसे मेन चीज़ होती है, क्योंकि कैप्स इसलिए मेन होती है क्योंकि आपके हेयर फॉल्स वगैरह हो सकता है, तो इसलिए आपको कैप्स की नीड होती है। सेकेंडली मास्क की भी होती है, अभी मैंने इसलिए नहीं पहना क्योंकि वीडियो शूट कर रहा था, डेट्स वाई, वरना मास्क की भी नीड होती है। और ड्यूरिंग प्रोसीजर तो मास्क की ही, बिना मास्क पहने आप नहीं आ सकते, क्योंकि पेशेंट की आप एक जान से खेल रहे होते हो, तो इसलिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है OT में स्टरलाइजेशन का। और बिना ड्रेस के, बिना स्लीपर्स के आप कभी एंटर नहीं कर सकते OT में। स्लीपर्स उसकी होती हैं जो आपको हॉस्पिटल्स प्रोवाइड कराते हैं, डिफरेंट हॉस्पिटल्स में अलग अलग तरीके से आपको ड्रेसेस या स्लीपर्स प्रोवाइड होती हैं। सो इसलिए OT की सबसे मेन थिंग होती है कि आपको स्टरलाइजेशन मेंटेन करनी होती है OT में। सेकेंड रूल OT का ये होता है कि आफ्टर और बिफोर आपको हैंड वॉशिंग प्रॉपर तरीके से करनी होती है OT में एंटर करने से पहले और OT में एंटर करने के बाद, क्योंकि OT में एंटर करने के बाद वो मतलब जब आप बाहर निकले होते हो OT से, तब भी इसलिए करनी होती है क्योंकि आप बाहर भी जाओगे तो आप अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं तब,
एंटर करते वक्त आप पेशेंट की सेफ्टी के लिए करते हैं, आप बाहर जाते वक्त आप अपनी सेफ्टी के लिए करते हैं ताकि आप सेफ रहें, क्योंकि अगर आप भी सेफ नहीं रहोगे तो आप आगे आने वाले पेशेंट को कैसे सेफ करोगे, उसकी लाइफ कैसे सेफ करोगे जब आप खुद ही सेफ नहीं होगे। तो इसलिए जाने के बाद भी आपको हैंड वॉश प्रॉपर करने चाहिए, स्क्रबिंग करनी चाहिए हैंडों की और पूरी स्टरलाइजेशन मेंटेन करनी चाहिए। सो अब मैं आपको कुछ पार्ट्स दिखाऊंगा ओटी के, मतलब कि ओटी के कुछ इक्विपमेंट्स और इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ मशीन्स आपको ओटी के मैं दिखाऊंगा, जिसमें कि मैं आपको बहुत सारी मशीन्स आपको दिखाऊंगा कि और थोड़े बहुत यूजेस उनके बताऊंगा कि क्या क्या यूजेस होते हैं इन मशीन्स के। सो चलो मैं आपको मशीन्स के कुछ यूजेस दिखाता हूं। आया था कि मैं आपको मशीन्स के इंट्रोडक्शन कुछ कराऊंगा कुछ मशीन्स के। तो जैसे सबसे पहले मशीन ये है जो कि एनेस्थीसिया मशीन, जो सबसे मेन मशीन होती है एक ओटी की, जिसमें कि बिना इसे पास करे कोई भी केस नहीं हो सकता। और सबसे पहली ड्यूटी एक टेक्नीशियन की ये होती है कि मॉर्निंग में आके इस मशीन्स को पास कराएं। इस पास होती है ये, इसमें मतलब कि सारे टेस्ट होते हैं कि ऑक्सीजन सही है, सीओ फ्लोरिंग वगैरह सारी चीज़ों के टेस्ट होते हैं, जिसके बाद ये पास होती है। और इसको पास कराना सबसे मेन काम होता है एक टेक्नीशियन का। तो और ये मशीन उस चीज़ में यूज़ आती है एक पेशेंट को अनकॉन्शियस लेवल पर पहुँचाने के लिए, एनेस्थीसिया देने के लिए, ताकि पेन फ्री सर्जरी परफॉर्म हो सके। तो सेकंड चीज़ आती है एक हमारी सक्शन मशीन। सक्शन मशीन वो होती है जिसमें जिसके बिना भी एक केस नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी बॉडी पे इंसिजन लगा हो तो उसमें ब्लड ब्लड का फ्लो आ जाता है, ब्लड आ जाता है। तो अगर वो जब तक वो ब्लड शक नहीं होगा तो तब तक हमें अदर पार्ट नहीं दिखेंगे बॉडी के, जिसके कारण हमें सर्जरी करने में प्रॉब्लम होगी। और सेकंड फिर आती है ओटी की लाइट्स, जैसे कि ये है मैं आपको दिखाता हूँ ओटी की लाइट्स होती हैं। ये ओटी की लाइट्स हैं, जैसे ये ओटी की लाइट्स ये होती हैं जो कि हमें ये ऐसे जलती है और इसके फोकस वगैरह होते हैं इसमें कई तरह के, जिसके थ्रू आपको पता लगता है कि मतलब कोई भी पार्ट है बॉडी का हम जिस पे सर्जरी कर रहे हैं, जैसे इस पार्ट पे सर्जरी करें तो हमें लाइट का फोकस इस पार्ट पे मारेंगे, जिससे कि हमें ये पार्ट पूरा स्पेसिफिकली पूरा मतलब क्लियरली फोकस के साथ दिखेगा, जिससे हमें सर्जरी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ऐसी ही बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे ECG मशीन्स होती हैं, कॉटरीटेट ट्रॉली होती है, इंट्यूबेशन ट्रॉली होती है, बहुत सी ट्रॉलीज होती है ओटी में, काफ़ी बड़ी होती है एक ओटी। क्रश कार्ड होता है जिसमें कि मेडिसिंस होती है, इमरजेंसी मेडिसिंस जो मतलब केस के ड्यूरिंग हमारे यूज़ में आ सकती है, जैसे BP फॉल हो रहा है, BP हाई हो रहा है पेशेंट का, तो उसमें हम यूज़ करते हैं। जैसे कि आपको पता है टेक्नीशियंस की ड्यूटी होती है बिफोर और आफ्टर द, आफ्टर और बिफोर द मतलब पेशेंट की केयर करना, सर्जरी से आने से पहले उसकी केयर करना, सर्जरी के बाद उसकी केयर करना, ये हमारी मेनली ड्यूटी होती है। तो इसलिए बहुत सी चीज़ें यहाँ पे ड्रग्स होती हैं जो कि हमें मेंटेन करनी पड़ती है पेशेंट के लिए, कि सर्जरी के बाद उसे कौन कौन सी ड्रग्स देनी है और कैसे उसको ट्रीट करना है, उसका डाइट प्लान क्या रहेगा। डॉक्टर से हमें कंसल्ट करना पड़ता है कि इसका डाइट प्लान है, हम इसे क्या क्या दें, डाइट्स में क्या क्या मेडिसिन प्रोवाइड करें, इसका BP मॉनिटरिंग वगैरह कितनी देर तक कब तक करनी है और कब तक इसे कौन सी पोजीशन में रखवाना है, जब आफ्टर सर्जरी से पोजीशन दी जाती है पेशेंट को कि इस पोजीशन में ही ज़्यादा बेटर रह पाएगा। तो इसलिए सबसे मेनली ये सब हमारे काम होते हैं एक टेक्नीशियन के, ओटी टेक्नीशियन के, पूरे ओटी के पूरे ओटी को हैंडल करना एक मेनली हमारी ड्यूटी होती है। पूरे ओटी में कैसे मतलब इंस्टॉलेशन प्रोवाइड होगी, कैसे हम ओटी को एक अच्छा मेंटेन टेम्परेचर ह्यूमिडिटी प्रोवाइड कराएंगे, तो ये एक मेनली ड्यूटी होती है ओटी टेक्नीशियन की। और इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर आपको इस ओटी इस वीडियो से ओटी की इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में, फ्रेंड्स फैमिली वगैरह को इसकी इन्फॉर्मेशन दें। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें।